विश्वकर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम् मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्षसी मासुरिं चैव प्रकृति मोहनीं शिता। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्त आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञा स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाचमहं अग्निर्हं हुतम्। अन्यलोक जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा अनेक अद्वैत रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। पिता हमश्य जगतो माता धाता पितामहा वेदं पवित्र ओंकारा
ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ।